अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद हफीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफीज़ 900। दोस्तों, आज मैं सोच रहा था कि इस बैटरी के बारे में एक वीडियो बनाऊं, ताकि बैटरियां बहुत महंगी हो गई हैं। बैटरियां जो हैं, अभी ये जो बैटरी मैंने ली थी, ये बैटरी को हो गए हैं दोस्तों तकरीबन 2 साल हो गए। ये मैंने ली थी 8500 रुपये की। अब दोस्तों बैटरियां हो गई हैं तकरीबन डबल रेट हो गया है, महंगी हो गई हैं। तकरीबन 100 एम्पेयर की ये बैटरी है AGS की। और दोस्तों बैटरियां बहुत महंगी होगी, मैंने कहा वीडियो बना दूं कि बैटरी लंबे अरसे तक कैसे चलती है, तो इसकी एक मैं वीडियो बना दूं। दोस्तों एक लेना है आपने देसी चार्जर, ये देसी चार्जर लेना है। अगर ये आप देख लो कि फ़ैन लगा हुआ, ये इसका फ़ैन नहीं था, ये गर्म हुआ था, मैंने एक कोई सा ही फ़ैन लगा दिया मैंने। और एक लेना है दोस्तों ये मीटर, ये मीटर आप देख रहे होंगे, कोई भी ऐसे ले लें मीटर। और ये देखें, ये सादा सा बना लें, दो चुटियां लगा लें। अभी मैं ये चार्जिंग पे लगाऊँ, अभी ये देखें कारबंद लगा हुआ है, हल्का सा कोई कारबंद हो तो इसको आप दोस्तों ये रेगमाल की मदद से जो है ना इसको थोड़ा सा साफ़ कर लें। पहले मैं बहुत गलतियां करता था दोस्तों, बहुत गलतियां करता था, और ये होता था कि बैटरी 6 माह तक 7 माह तक 8 माह तक चलती थी तो बैटरी ख़राब हो जाती। तो अभी जो है इसके पानी लेवल ये देखना है, इसका ये ऊपर का लेवल, पानी का ख्याल रखना है और इसकी चार्जिंग का ख्याल रखना है। और चार्जिंग का क्या ख्याल रखना है, इसका चार्जिंग का ये ख्याल रखना है कि जब इसको चार्जिंग पे लगाना है, और ये मीटर आपने लाजमी लगाना है इसके साथ। और ये देखें दोस्तों, ये शो कर रहा है 12.6 पे। अब ये 14.7 पे जैसे जाएगा, आपने क्या करना है, ये बंद कर देना है इसको। जो बैटरी को जो चार्जिंग, असल जो चार्जिंग होती है 14.7 होती है, तो जैसे ये मीटर बताया आपने चार्जिंग ख़त्म कर देनी है, इसको बंद कर देना है इसको। और आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये जब ये निकालते हैं, जब ये बंद करके जाते हैं, तो इसका क्या होता है कि ये एक बोतल का कैप है ये, और ये नीचे से कुछ बोतल भी है काटी हुई। तो ये इसको क्या करना है, इसको यहाँ ऊपर रख देना है एक टर्मिनल पे, इसलिए कि ताकि कोई स्पार्किंग ना हो। अक्सर देखा होगा दुकानों में आग लग जाती है, नुकसान हो जाते हैं, तो इसी वजह से, इसी गलती की वजह से हो जाती है। ये कैप ऊपर रख दें ताकि आप बेफिक्र हो जाएंगे। और ये देख रहे होंगे ये इन्वर्टर है 350 एम्पेयर का है, इससे मैं एक फ़ैन चलाता हूँ, 4 सेवर चलाता हूँ। अगर बैटरी अच्छी होगी तो ये भी सही टाइमिंग देगा, अगर बैटरी में आप कहीं गलती करेंगे तो फिर बैटरी आपकी बहुत ख़राब हो जाएगी इसकी। और इसकी ग्रिप जो है ये अच्छी रखनी है इसकी, और पानी का ख्याल रखना है, इसकी जो है कार बंद आ जाता है इसका ख्याल रखना है, और इसकी ग्रिप अच्छी रखनी है, चार्जिंग आपकी बेहतरीन होगी। अभी देखें दोस्तों 12.8 पे हो गया, ये चार्जिंग होती जा रही है इसमें, इसको 2 साल हो गए, इसका एक सेल भी ख़राब नहीं हुआ, ये नई बैटरी का काम दे रही है बिल्कुल। अब मैं ये इसका ये एक तरीका करता हूँ, ये सालों साल चलेगी, ये बिजली भी बचा के देती है। अगर ये देसी चार्जर है, अगर ये महीने का 200 का बिजली खाता है, तो ये 700-800 बचा के भी देता है बैटरी से। मैं अगर बिजली भी होती तब भी मैं लाइटें इसी के ऊपर चला लेता हूँ ताकि बिल कम आए। कि दोस्तों अब तक ये वीडियो थी, मैंने ये वीडियो इसलिए की थी कि दोस्त काफ़ी ऐसे दोस्त होते हैं जो बैटरियां ख़राब कर देते हैं, बहुत महंगी बैटरियां होती हैं, तो इसलिए ये बनाई थी कि ये अगर करोगे तो सालों साल इंशाल्लाह आपकी बैटरी चलेगी। और आप किस दो फ़ैन हैं, एक फ़ैन है और 3-4 से LED बल्ब हैं, तो आप 100 एम्पेयर की बैटरी ले लें और चार्जर देसी ले लें, आपकी सुकून से गुजरेगी बैटरी। और अगर आपने प्लेट लगानी है इसके ऊपर, सोलर प्लेट, तो
तो वो आप मीटर लाजमी होना चाहिए आपका दोस्तों। ये अगर मीटर होगा आपका तो इंशाल्लाह ये देखिए आप 12.9 बता रहा है, तो ये आपका ये 14.7 पे आएगा। आपने चार्जिंग ख़त्म कर देनी है वरना इसकी ये बैटरी फूल जाएगी, ये बैटरी ख़राब हो जाएगी, ये गलती कर बैठते हैं। अब तक के लिए ये वीडियो थी, इंशाल्लाह मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इंशाल्लाह आगे के लिए फिर।